नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम इंडियन फुटबॉल के फ्री किक स्पेशलिस्ट ब्रैंडन फर्नांडिस के बारे में बात करेंगे और उनकी जर्नी को जानेंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ब्रैंडन फर्नांडिस का जन्म 20 सितंबर 1994 को गोवा के मार्गोन सिटी में हुआ था। उनके फैमिली में उनके पापा जो कि एक बिजनेसमैन है, की मम्मी नेशनल कबड्डी प्लेयर रह चुकी है, उनके दो भाई भी हैं जो कि फुटबॉल खेलते हैं और उनकी बहन जो कि प्रोफेशनल एथलीट है। इस बात से आप यह तो समझ ही गए होंगे कि उनकी फैमिली कितनी स्पोर्ट्स लवर है। उनके सक्सेस में सबसे इम्पोर्टेंट रोल उनके पिताजी का है। उनके पिताजी ना सिर्फ उनको स्टेडियम लेके जाते थे मैच दिखाने के लिए, बल्कि काफ़ी मोटिवेट भी करते थे कि वो अपने ड्रीम्स परसीव करें। पिताजी कहते हैं कि जब उन्होंने अपने लड़के को जब पहली बार बॉल किक करते हुए देखा तो वो समझ गए थे कि यह बहुत बड़ा प्लेयर बनेगा, और उनसे फुटबॉल से रिलेटेड कोई भी चीज़ थी तो वो उन्हें संभाल के रखते थे कि वह जानते थे कि यह एक दिन काफ़ी बड़ा फुटबॉल प्लेयर बनेगा। और इनके इसी विश्वास को ब्रैंडन फर्नांडिस ने कभी टूटने नहीं दिया। ब्रैंडन ने मात्र 6 साल की उम्र से ही फ्रांसा पैक फुटबॉल क्लब से खेलना स्टार्ट किया। फ्रांसा पार्क फुटबॉल क्लब जो कि नागाव गोवा में स्थित है, वह उनका पहला क्लब था। बाद में इस क्लब को AIFF ने बैन कर दिया। क्लब बैन होने के बाद में वह दूसरे क्लब वेल्साव पैलेस स्पोर्टिंग क्लब से खेलना स्टार्ट किया। ब्रैंडन जब 7 साल के थे तब वह अंडर 12 टूर्नामेंट में खेलते थे और गोल भी स्कोर करते थे। जब वह 8 साल के हुए तब वो अंडर 14 टीम के लिए खेलते थे वेल्साव पैले के। बाद में उन्होंने सलगांवकर FC से खेलना स्टार्ट किया। सलगांवकर FC जो कि आई लीग का क्लब था और काफ़ी अच्छा क्लब है और टॉप टायर क्लब है इंडिया में, और सलगांवकर FC ही है जहां पे उनकी ग्रोथ हुई, उनकी स्किल्स डेवलप हुई। उसी क्लब से वह रेगुलर खेलते रहे अंडर 14, अंडर 16 और अंडर 19 के एज में। क्लब के साथ खेलते खेलते उन्होंने इंडिया में भी रिप्रेजेंट किया अंडर 14, अंडर 17 और अंडर 20 में। अंडर 17 में वह इंडियन फुटबॉल टीम के कैप्टन भी थे। ब्रैंडन फर्नांडिस इंग्लिश प्रीमियर लीग में खेलना चाहते थे, इसीलिए वह ASD फुटबॉल एकेडमी केप टाउन जो कि साउथ अफ्रीका कैपिटल है वहाँ पे चले गए फुटबॉल की ट्रेनिंग लेने के लिए। वहाँ पे खेलते खेलते उन्होंने काफ़ी इंग्लिश प्रीमियर लीग क्लब्स के लिए ट्रायल्स भी दिए, जैसे कि लेजिस्टर सिटी, रेडिन FC, सुंदरलैंड एसोसिएशन फुटबॉल क्लब्स। वहाँ पर उन्होंने काफ़ी अपने पूरे 100% दिया, पर अनफॉर्चुनेटली वो सेलेक्ट नहीं हो पाए। यूरोपियन क्लब से ना सेलेक्ट होने के बाद उन्होंने साउथ अफ्रीका में ही खेलने का फैसला किया। उन्होंने 12 मैचेस में 12 गोल्स भी स्कोर की। फिर इंडिया आने के कुछ महीने पहले उन्होंने AS मोनाको FC से भी ट्रायल दिया, पर वहाँ पर भी वो सिलेक्ट नहीं हो पाए। फिर वह इंडिया आ गए। फिर उन्होंने इंडियन क्लब स्पोर्टिंग गोवा से के लिए साइन किया। उनका फिर आई लीग में डेब्यू 8 फरवरी 2015 को मुंबई के खिलाफ हुआ, और उन्होंने अपना आई लीग में पहला गोल भारत FC के खिलाफ किया 5 मई 2015 को, वो भी फ्री किक के द्वारा। 2015 में हीरो ISL की शुरुआत थी, जिसमें इंडिया के बेस्ट फुटबॉल प्लेयर्स खेलते हैं, ना सिर्फ इंडिया के बल्कि फॉरेन के भी इसमें प्लेयर्स आते हैं। उसमें इनका सिलेक्शन मुंबई सिटी FC के लिए हुआ 12 लाख रुपीस के साथ। फिर ISL में डेब्यू दिल्ली डायनामोस के खिलाफ 24 सितंबर 2015 में हुआ। वह सीज़न वह ज़्यादा नहीं खेल पाए, मात्र 2 ही मैचेस खेले और वह सीज़न से बाहर हो गए ड्यू टू इंजरी। मोहन बगान ने मुंबई सिटी FC से ब्रैंडन फर्नांडिस को लोन पे लिया। लोन पे लेने के बाद में ब्रैंडन फर्नांडिस ने सिर्फ 4 ही मैच खेले और उसमें 1 गोल स्कोर किया। बाद में वह सीरियस नी इंजरी से के लिए ऑपरेशन के लिए चले गए और आउट ऑफ द सीज़न हो गए। ईयर 2015 और 2016 में वह ज़्यादातर इंजरी से ही जूझते रहे। फिर 2017 में वह पीछे हटने वाले नहीं थे। 2017 में वह चर्चिल्स ब्रदर जो कि FC गोवा की आई लीग क्लब थी वहाँ पे उन्होंने खेलना स्टार्ट किया। 15 मैचेस में उन्होंने 3 गोल स्कोर किए और उस सीज़न के मैक्सिमम असिस्ट स्कोरर बने 7 असिस्ट के साथ में। आई लीग में इतना अच्छा प्रदर्शन करने के बाद में 2019-20 में ब्रैंडन फर्नांडिस ISL के चैंपियंस बन गए। उन्हें उस साल
7 असिस्ट किए जो कि 17 अपीयरेंस में उन्होंने किए, और उस साल वह मैक्सिमम असिस्ट स्कोरर बने बाय इंडियन प्लेयर। और करेंटली 2020-21 की बात करें तो एफसी गोवा ने इतिहास रच दिया था। एफसी गोवा इंडिया की पहली ऐसी टीम बनी थी जो एएफसी चैंपियनशिप में खेली थी, और क्या खेली थी, सबको इम्प्रेस कर दिया था। इंडियन फुटबॉल्स पूरे ना सिर्फ ब्रैंडन फर्नांडिस के बल्कि एफसी गोवा के भी फैन बन गए थे। वहाँ पे भी ब्रैंडन फर्नांडिस ने अपना कमाल दिखा दिया, और एडू बेडिया ने गोल स्कोर किया था परसपोलिन एफसी के खिलाफ, और उसमें असिस्ट किसका था, नन अदर देन ब्रैंडन फर्नांडिस का। ब्रैंडन फर्नांडिस को इंडियन फ्री किक स्पेशलिस्ट बोलना गलत नहीं होगा। अगर आपको गलत लगता है तो याद कीजिए वह रात जब आदिल खान को असिस्ट किया था और इंडिया और बांग्लादेश के मैच को ड्रॉ कराने में एक अहम भूमिका निभाई थी। और ब्रैंडन फर्नांडिस करंटली इंडिया के मोस्ट प्रॉमिसिंग फुटबॉल प्लेयर हैं। कि इस जर्नी से हमें सीख मिलती है कि लाइफ में कितने भी डिसअपॉइंटमेंट आ जाए, हमें हार नहीं माननी, हमें अपना काम करते रहना है। एक ना एक दिन लोगों को यह चीज़ पसंद आएगी और लोग अप्रिशिएट करेगी ही। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक करें, अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं है प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें। आपने जो समय दिया उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।